हेलो क्लास, आज हम लोग अपने एनसीईआरटी लेक्चर को आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था वो एक्सरसाइज 3.2 को हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। आज उसी लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं उसके आगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कर रहे हैं, जो कि हमारे एक्सरसाइज 3.2 का है। तो आज हमारा क्या है, एक्सरसाइज 3.2 है एनसीईआरटी मैथ का, जो कि हमारा मैट्रिक्स चैप्टर का है, ठीक है। और हम जैसे कि इसके प्रीवियस लेक्चर में अपने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमें सिंप्लीफाई करना है। और गिवन क्या है, कॉस थीटा अंडर मैट्रिक्स गिवन है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा एक मैट्रिक्स गिवन है, प्लस करके करना है साइन थीटा अंडर मैट्रिक्स गिवन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारा क्वेश्चन है, हमें इसी को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगर जो हम इस अपने इस पहले पोर्शन को देखें, तो इसमें क्या है, कॉस थीटा क्या है, मैट्रिक्स के बाहर लिखा है। तो इसको क्या करेंगे, जब हम इनसाइड में मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के, तो ये हर एक एलिमेंट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद दूसरे पोर्शन को जब देखते हैं, तो साइन थीटा है, अब साइन क्या होगा, हर एक एलिमेंट में अंदर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्या हो जाएगा। अब इस कॉस थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई करें, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा साइन थीटा का मल्टीप्लाई यहाँ निगेटिव है, तो माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा हो गया। अब ये कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई, और ये साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब ये हो जाएगा, और ये साइन थीटा का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स का सिंपल सा एडिशन बन गया है। और अब इसमें क्या है, कोई भी स्केलर वैल्यू जो है मैट्रिक्स के बाहर भी नहीं है, तो हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा के करस्पॉन्डिंग साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा साइन थीटा के करस्पॉन्डिंग माइनस साइन थीटा कॉस थीटा है, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा के करस्पॉन्डिंग साइन थीटा कॉस थीटा होगा, और इस कॉस स्क्वायर थीटा के करस्पॉन्डिंग साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। तो जब आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा ये, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, ओके। अब आगे जब बढ़ेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो हो जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऑलवेज वन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा वन, और ये प्लस और ये इतना ही माइनस है, तो कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे, यहाँ भी माइनस और प्लस कैंसिल होकर जीरो हो गए, और ये क्या हो गया, वन हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर आया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का, सिंप्लीफिकेशन क्या हुआ, 1001, इस तरीके से हमारा सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिंपली क्या दो रूल यूज हुए हैं, एक तो रूल यूज हुआ है कि हम लोग किसी स्केलर क्वांटिटी को जब मैट्रिक्स के अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। और दूसरा रूल ये यूज हुआ है कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को विथ साइन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है, फाइंड एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, एक्स प्लस वाई गिवन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू गिवन है 7025, ठीक है। एक्स माइनस वाई गिवन है, एक्स माइनस वाई गिवन है 3003, ठीक है, ये गिवन है। अब हमें यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम अगर जो यहाँ पे एक्स माइनस वाई को यहाँ पे लिख लें तो बहुत थोड़ा सा और आसानी रहेगी सिंप्लीफिकेशन में। एक्स माइनस वाई इक्वल टू है 3003, ठीक है। अब देखो हमें पहले वैल्यू एक्स की निकालनी है, तो क्या करेंगे, अगर जो हम इन दोनों को ऐड कर लें, इसको मैं रिलेशन नंबर 1 रख रहा हूँ, इसको रिलेशन नंबर 2, ठीक है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, और एक्स प्लस होके 2x बनेगा, ठीक है। 2x इक्वल टू आएगा यहाँ पे 7025 प्लस 3003। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या आएगा, 7 प्लस 3 क्या होगा 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2, 5 प्लस 3 8, 2x इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 10 0 2 8। अब ये 1/2 अंदर में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा 10/2 0/2 2/2 8/2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/2 का हाफ 5, 0/2 0, 2/2 1, 8/2 4, ये हमारे x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालने का बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक तो x की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या है, इन दोनों इक्वेशनों को क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी। बहुत सारे मेथड्स हैं यहाँ पे, तो फिलहाल चलो हम लोग जो है x की वैल्यू इतनी आ गई, अब हम लोग y की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको आप नोट कर लीजिए, और मैं अब y की वैल्यू को फाइंड आउट करने की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक बार हमने ऐड किया था तो x हमारे पास रिमेनिंग था, अब दूसरी बार हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देने वाले हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा हमारे पास, जैसा कि जानते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन पे साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई और वाई ऐड होके 2y बन जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y इक्वल टू आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा, क्यों, इसमें से ये निगेटिव हो रहा है, तो 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 आ गया, ठीक है। 0 माइनस 0 0 होगा, 2 माइनस 0 2 होगा, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे 2y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू हो जाएगा 1/2 4 0 2 2, ये आ गया, ठीक है। अब y इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा, अब ये 1/2 अंदर में डिवाइड हो जाएगा, तो 4/2 0/2 2/2 2/2, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 4/2 2 हो जाएगा, 0/2 0, 2/2 1 हो गया, 2/2 1, ये हमारा y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू को
क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अगर जो आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली क्या है, 7 का क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सिंपली क्या, जो हमने क्लास 10th में इक्वेशन को, क्लास 9th में इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके जो पढ़े हैं, सेम वही प्रोसेस अप्लाई करना है। आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है, उन्हीं मेथड्स को अप्लाई करिए, यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू इजीली आ जा रही हैं। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड एक्स इफ वाई इज इक्वल टू 3, 2, 1, 4 ओके एंड 2x प्लस वाई इज इक्वल टू गिवेन है 2x प्लस वाई है 1, 0, -3, 2 ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इसमें क्या करना है, पहली बात इसमें हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, x की वैल्यू को फाइंड करना है और y की वैल्यू गिवेन है, और अगला क्या गिवन है, 2x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोग क्लास 10th में अगर y की वैल्यू गिवन हो या x की वैल्यू गिवन होती है तो उसको हम लोग अपने गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारा x गिवन रहता है तो y आ जाता है, तो y गिवन रहता है तो x आ जाता है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नोट कर लेते हैं इसको, क्या गिवन है, 2x प्लस y इज इक्वल टू गिवन है 1, 0, -3, 2 तो बच्चों हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 0, -3, 2 और y को उधर राइट साइड में भेज देंगे तो माइनस वाई हो गया। ठीक है, और y की वैल्यू भी हमें गिवन है, ये ठीक क्या हो जाएगा 1, 0, -3, 2 माइनस y क्या गिवन है 3, 2, 1, 4 ये हो गया y की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद, चलो देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, -3 क्या होगा -2 0, -2, -2 आएगा -3, -1, -4 आ जाएगा। ठीक है, 2, -4 क्या आएगा -2 आएगा, सिंपल सा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो 2x आ गए, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, -2, -2, -4, -2 ठीक है, तो x फाइनली क्या आ जाएगा हमारा, अब ये -2 में 2 से डिवाइड करेंगे -1 आएगा, -2 में 2 से डिवाइड करेंगे -1, -4 में 2 से डिवाइड करेंगे -2, इस -2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल कैलकुलेशन एक्स के लिए। ठीक है, इसमें हमने सिंपली क्या किया है, जो हमारी वैल्यू थी गिवन वाई, उसको मैंने राइट साइड भेज दिया है इक्वेशन के, फिर वाई की वैल्यू को पुट किया और सिंपल सा अपना जो हम कैलकुलेशन जानते हैं कि दो मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 को अब देखेंगे। ठीक है,
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं क्या है, हमें क्या करना है, फाइंड एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और क्या गिवन है, गिवन है टू, हमें गिवन है टू 130 एक्स प्लस वाई जीरो प्लस वाई जीरो 12 इज इक्वल टू 5618 ये गिवन है बच्चों, ठीक है। हमें ये गिवन है और हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो 2 गिवन है इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके बाद, 2 1 2 2 3 6 2 × 0 0 2x का मल्टीप्लाई 2x हो गया, ठीक है। प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, वाई 0 1 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 6 1 8 इतना हो गया, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में हमारे पास दो मैट्रिक्स का एडिशन है, तो इनको ऐड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा 2 + y 6 + 0 6 0 + 1 1 2x + 2 2x + 2 आ गया, ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा राइट साइड में, 5 6 1 8 हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो क्या कंडीशन होती है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 2 + y इक्वल हो जाएगा 5 के और 2x + 2 इक्वल हो जाएगा 8 के, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे नाउ इक्वेटिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, 2x + 6 = 2x 2 + y है बच्चों, तो 2 + y इक्वल टू हो जाएगा 5 के, तो y इक्वल टू आ जाएगा 5 - 2, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, 2x + 2 इक्वल टू हो जाएगा 8, तो 2x हो जाएगा 8 - 2 इक्वल टू 6, तो x क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा, 2 3 6। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 3 और y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ये हमारा फाइनल सोल्यूशन रहा, क्यों, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरीके का है, तो आप 11 क्वेश्चन कर सकते हैं, एक्सरसाइज 3.2 का सेम इसी फंडामेंटल पे बेस्ड है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को मैं लगाऊंगा, ठीक है। आप 11 नंबर क्वेश्चन को कर लीजिएगा, अगर जो आपको नहीं आता है तो आप बताइएगा, मैं उसके लिए सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सेम इसी फंडामेंटल पे बेस्ड है बच्चों, तो इसीलिए मैं उसको स्किप कर दे रहा हूँ, आप उसको करिएगा। और मैं अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 क्वेश्चन नंबर में है, एक कंडीशन गिवन है हमारे पास, वो क्या है, 3 xyzw + इज इक्वल टू x6 - 1 2w प्लस है 4x + y z + w 3 ये गिवन है, ठीक है।
फोर एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू थ्री, एक्स सिक्स माइनस वन टू डब्ल्यू थ्री, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या इसमें करना है, फाइंड करना है, फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। अब मुझे इसमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको सॉल्व करना। तो अगर जो हम लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स को देखें तो यहाँ पे थ्री क्या है, मैट्रिक्स के बाहर में है, तो इसको हम लोग अंदर में पहले करते हैं। ठीक है, इसको जब हम इनसाइड ले जाएंगे तो हो जाएगा थ्री और एक्स का मल्टीप्लाई थ्री एक्स, इसका थ्री वाई हो जाएगा, थ्री एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री डब्ल्यू। इधर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फोर हो जाएगा, सिक्स प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, मैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस वन प्लस जेड प्लस डब्ल्यू होगा, यहाँ क्या होगा टू डब्ल्यू प्लस थ्री होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसके बाद का रोल क्या होता है बच्चों, हमारे पास रोल यही होता है कि हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। नाउ कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अब हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को दो मैट्रिक्स के बीच में कंपेरिजन करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थ्री एक्स इजिकल टू आ जाएगा यहाँ से एक्स प्लस फोर, अब ये थ्री एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा तो बचेगा टू एक्स, टू एक्स इजिकल टू फोर, तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा टू टू जा फोर, एक्स की वैल्यू तो आ गई बच्चों। ठीक है, अब चलो इसको कंपेयर करते हैं थ्री वाई, तो क्या हो जाएगा थ्री वाई इजिकल टू सिक्स प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो थ्री वाई में से एक वाई चला जाएगा तो टू वाई बचेगा, टू वाई इजिकल टू होगा सिक्स प्लस एक्स। अब बच्चों हमें एक्स की वैल्यू यहाँ क्या मिली है, टू मिली है, तो टू वाई इजिकल टू हो जाएगा सिक्स प्लस टू, तो हो गया एट, टू वाई इजिकल टू एट, तो वाई इजिकल टू क्या हो गया हमारे पास फोर आ गया बच्चों। ठीक है, अब हमें वाई की वैल्यू मिल गई, अब हमें बची है किसकी वैल्यू, जेड और डब्ल्यू की वैल्यू बची है। ठीक है, तो चलो अब देखो बच्चों हमें यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू कहाँ से मिलने वाली है, हम अगर जो इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं तो हमें डब्ल्यू की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, इस एलिमेंट को और इसको कंपेयर करते हैं, क्या हो जाएगा अपने पास, आ जाएगा थ्री डब्ल्यू इजिकल टू हो जाएगा टू डब्ल्यू प्लस थ्री, थ्री डब्ल्यू माइनस टू डब्ल्यू, इधर डब्ल्यू बचेगा तो डब्ल्यू इजिकल टू आ जाएगा थ्री। अब इसको कंपेयर करते हैं थ्री जेड, तो आ जाएगा थ्री जेड इजिकल टू आ जाएगा माइनस वन प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। अब इस डब्ल्यू की वैल्यू रख देते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा थ्री जेड में से एक जेड चला जाएगा टू जेड बचेगा। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन, अब डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा थ्री, तो क्या आ गया टू आ गया, टू जेड इजिकल टू टू, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा वन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद चलो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारी एक्स की वैल्यू आ गई टू, वाई की वैल्यू क्या आई फोर, जेड की वैल्यू क्या आई वन, और डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई बच्चों थ्री। तो ये हमारा फाइनली हमने एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लिया, जो अपने प्रोसीजर होते हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड और सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं उन्हीं का यूज करके यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर ली गई है। ठीक है, अब चलो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को मैं लगाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 मैं लगाऊंगा, इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो आपको अगर जो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कभी भी ऑस्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन।
तो चलो बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास गिवन है, fx इज इक्वल टू गिवन है cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x 0 और गिवन है 0 0 1। ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। और हमें शो क्या करना है, क्वेश्चन में आगे लिखा है सो डैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ हाफ एक्स प्लस वाई। ये बच्चों हमें शो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि शो करने का हम उसकी मीनिंग को समझें। किसी भी क्वेश्चन को लगाने के पहले उसकी मीनिंग को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम इसी क्वेश्चन को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें शो की जो करना है उसको यहाँ लिख लेते हैं। हमें क्या करना है, एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू शो करना है एफ हाफ एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स निकालो एफ वाई निकालो उसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। उसके बाद राइट साइड में देखो तो एफ हाफ एक्स प्लस वाई निकालो, ठीक है। उसके बाद दोनों को कंपेयर करो, क्या कि एल एच एस की वैल्यू और आर एच एस की वैल्यू सेम आ रही होगी, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलो हमारे पास जो जो वैल्यूज रिक्वायरमेंट हैं उनको हम निकालते हैं, ठीक है। एफ एक्स तो ये है, ठीक है। एफ वाई क्या हो जाएगा, एफ वाई मीन्स एफ वाई कैसे आएगा, एफ हाफ वाई कैसे आएगा, जब हम एक्स के प्लेस पे वाई को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमारे पास क्वेश्चन में एक्स है वहाँ पे वाई पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कास वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कास वाई 0 0 0 1। ये हो गया हमारा एफ वाई की वैल्यू, ठीक है। अब जो हमें क्या निकालना है, एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालना है, ठीक है। मतलब एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू रख दो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ये हमारी एफ एक्स की वैल्यू हो गई। अब इंटू एफ वाई, एफ वाई मीन्स ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, कास वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कास वाई 0 0 0 1। ये हो गया, ठीक है बच्चों। ये जो है हमने अभी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा, अब इसी को हम आगे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास, आ जाएगा, चलो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इससे यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। इस जगह मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो आ जाएगा अपना एफ एक्स इंटू एफ वाई आएगा। अब देखो कास एक्स कास वाई, कास एक्स का मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लिकेशन का हमने रूल बताया था आप लोगों को कि मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, ठीक है। पहले वाले से रो को सिलेक्ट करते हैं और दूसरे वाले से कॉलम्स को सिलेक्ट करते जाते हैं। तो पहले ही रो ये हो गई, तो कास एक्स और कास वाई का मल्टीप्लाई पहले रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा ये कास एक्स कास वाई आ जाएगा, ठीक है। और माइनस साइन एक्स साइन वाई आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 0 0 का मल्टीप्लाई 0 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कास एक्स इसके में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कास एक्स साइन वाई और ये हो जाएगा कास एक्स का कास एक्स का हमने मल्टीप्लाई किया साइन वाई में, अब माइनस साइन एक्स का कास एक्स वाई में, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स कास वाई आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर बच्चों कम है तो मैं क्या करता हूँ इसको इरेज करता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस की कमी आ रही है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है।
तो हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई आएगा, आ जाएगा कास एक्स कास वाई। देखो ऐसे रो को सिलेक्ट कर लो, फर्स्ट रो को सिलेक्ट करो तो फर्स्ट रो में आपका ये मिलने वाला है, इतने को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो कास एक्स कास वाई साइन एक्स साइन वाई जीरो जीरो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कास एक्स का कास वाई में मल्टीप्लाई कर लो तो लिखा जाएगा कास एक्स इंटू कास वाई, ठीक है। फिर माइनस साइन एक्स का साइन वाई में मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। उसके बाद जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा कास एक्स और माइनस साइन वाई का मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा माइनस कास एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। रूल क्या बच्चों, आपको मैं दोबारा से रिपीट कर दूँ, हम पहले रो को पहले मैट्रिक्स से पहले रो को सिलेक्ट करते हैं और उसको फिर पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरे कॉलम में। तो पहले रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिए, अब पहले रो का दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो कास एक्स का माइनस साइन वाई मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस कास एक्स साइन वाई, अब साइन एक्स का कास वाई मत क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स कास वाई आ गया, ठीक है बच्चों। अब जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई क्या हो गया जीरो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई जीरो जीरो वन में, तो कास एक्स और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो माइनस साइन एक्स और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो जीरो और वन का मल्टीप्लाई जीरो, ठीक है। तो ये आ जाएगा जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद साइन एक्स कास एक्स और जीरो का मल्टीप्लाई, चूँकि हमारे पहले रो का सभी कॉलम में मल्टीप्लाई कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, पहले रो का सब दूसरी रो का सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, तो हो जाएगा साइन एक्स और साइन वाई। अब हम दूसरा रो सेलेक्ट करेंगे इधर से, क्या हो जाएगा साइन एक्स कास वाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा कास एक्स साइन वाई, ठीक है, और जीरो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो होगा, ठीक है। अब उसके बाद माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। अब उसके बाद कास एक्स का मल्टीप्लाई होगा प्लस कास एक्स हो जाएगा कास एक्स कास वाई। अब जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन एक्स और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो आ गया, ठीक है। कास एक्स और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो आ गया, ठीक है बच्चों, और जीरो और वन का मल्टीप्लाई जीरो हो गया। स्टूडेंट्स अगर जो आपको मल्टीप्लिकेशन में कुछ इश्यूज आते हैं तो आप मेरे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसमें हमने ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया है आप उसको जा करके देख सकते हैं एक बार, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का लिंक भी दे दूंगा, आप वहां पे जाके डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को ओपन करके देख सकते हैं कि मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चों दूसरी रो का भी सभी कॉलम में मल्टीप्लाई पूरा हो गया, ठीक है। अब हमें तीसरी रो का सभी कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से जीरो जीरो वन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉलम को अल्टरनेटली लेते रहेंगे। तो जीरो का कास वाई मल्टीप्लाई जीरो हो गया, जीरो का साइन वाई मल्टीप्लाई जीरो हो गया, ठीक है। वन का जीरो में जीरो हो गया, ठीक है। अब जीरो का इसमें मल्टीप्लाई साइन वाई में माइनस साइन वाई में जीरो, अब जीरो का कास वाई में जीरो, वन का जीरो में जीरो आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जीरो का जीरो में जीरो, जीरो का जीरो में जीरो, ठीक है। अब वन का वन में वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ एफ एक्स और एफ वाई का मल्टीप्लिकेशन हुआ, ठीक है। अब चलो हम लोग इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये देखो क्या बन रहा है, कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये हमारे क्लास टेंथ क्लास नाइन्थ में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है कि कॉस एक्स कास वाई माइनस साइन वाई साइन वाई इक्वल टू होता है कॉस एक्स प्लस वाई। क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स प्लस वाई, ये डायरेक्टली फार्मूला बन रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर जो माइनस कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस एक्स साइन वाई और प्लस साइन एक्स कॉस वाई, ये बच्चों फार्मूला बनेगा माइनस
साइन एक्स प्लस वाई का बनेगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो आ गया, ठीक है। अभी मैं इधर फार्मूले को लिख दूंगा कौन कौन से फार्मूले यूज हो रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ये हो गया जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फार्मूला, कॉस एक्स, यहाँ पे भी हमारा फार्मूला आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, अगर जिसमें हम लोग माइनस कॉमन करेंगे तो ये कॉस एक्स कॉस वाई और ये माइनस साइन एक्स साइन वाई है, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई का बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये तो आ जाएगा अपना अगला एलिमेंट आ जाएगा जीरो, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, ये जीरो जीरो ऐड होके जीरो आ जाएंगे, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ठीक है। और ये लास्ट में वन आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हमने यहाँ पे कौन कौन से फार्मूले यूज किए थे, उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। हमारा पहला फार्मूला यूज हुआ था कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये हमने पहला फार्मूला यूज किया था। दूसरा जो हमारा यूज हुआ है वो यूज हुआ फार्मूला साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। ये दो फार्मूले हमारे यहाँ पे यूज हुए, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया साइड में, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम अपने मेन क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं, तो जहाँ पे हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू एक्स गिवन है, वहाँ पे हमारे पास सिंप्लीफिकेशन में एक्स प्लस वाई आ गया है, ठीक है। जिस प्लेस पे एक्स था क्वेश्चन में, वहाँ पे एक्स प्लस वाई आ गया, ठीक है। तो अगर ये एफ एक्स की वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो आपका जो प्रूव करना था वो आ जाएगा, मीन्स एफ एक्स इंटू एफ वाई आ जाएगा, अब आपका ये आ गया है f ऑफ x प्लस वाई। तो इस तरीके से इसको हमने क्या किया, प्रूव कर दिया, शो कर दिया गया, ठीक है। ये हमारे में क्वेश्चन में शो करने के लिए कहा गया था, ठीक है। तो ये हमने शो कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन 14 में जो हमें करना है कि हमें दो साइड LHS और RHS की बन है, और इसमें हमें प्रूव करना है कि LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, LHS में हमारे भी दो मैट्रिक्स हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 5 - 1, 5 - 2 = 10 आएगा, -1 - 3 = -3 आएगा, ठीक है बच्चों। अब इसका दूसरे, पहले रो का पहले कॉलम में मल्टीप्लाई है आ गया। अब पहले रो का दूसरे कॉलम में 5 - 1 = 5, -1 - 4 = -4, अब दूसरे रो का पहले कॉलम में 6 - 2 = 12, क्या आ जाएगा ये 12, 7 - 3 = 21, 6 - 1 = 6, 7 - 4 = 20, ठीक है। ये आ गया हमारे LHS का मल्टीप्लाई। तो और इसको सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 10 - 3 = 7 आ जाएगा, 5 - 4 = 1 आ जाएगा, 12 + 21 क्या हो जाएगा 33, ठीक है। 6 + 28 कितना हो जाएगा 34, ये थी हमारे LHS का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हमें कैलकुलेशन किसका करना है, RHS का, ठीक है। RHS में हमारे ये वैल्यूज हैं, इक्वल के लेफ्ट साइड LHS, इक्वल के राइट साइड RHS, ठीक है। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा 2 - 5 = 10, 1 - 6 = 6, अब 2 - 1 = 2, तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे -2, 1 - 7 = 7, ठीक है। ये 5 - 3 = 15, 4 - 6 = 24, अब 3 - -3 लिखेंगे साइन के साथ, 4 - 7 = 28, ठीक है। तो हमारा RHS क्या आ जाएगा, RHS आएगा 16, और 6 - 2 = 5, 15 और 24 कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 39,
और 28 माइनस 3 कितना आएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी RHS की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखो हमारे पास LHS और RHS को कंपेयर करते हैं तो LHS के एलिमेंट है 71, 33, 34, RHS के क्या है 16, 5, 39, 25 हैं। ठीक है, तो इन दोनों के LHS RHS के एलिमेंट डिफरेंट है, मीन्स वो इक्वल नहीं है। तो क्या आ गया, इसको रिलेशन नंबर 1, इसको रिलेशन नंबर 2 लिखते हैं फ्रॉम रिलेशन 1 एंड 2। इट इज क्लियर दैट LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हमने बहुत जो हमारा 14 का फर्स्ट पार्ट था इसको हमने कैलकुलेशन कर लिया और हमने यहाँ पे देखा, ये भी देखा कि LHS और RHS की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 14 में क्वेश्चन में जो है सेकंड पार्ट भी है, उसमें हमारा जो क्वेश्चन है ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स गिवन है, सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आप उसको 14 का सेकंड पार्ट आप खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, और इसके बाद अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा आपसे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा और हम नेक्स्ट उसमें मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।